हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज हम ब्राज़ील के उभरते हुए स्टार प्लेयर गैब्रियल जेसस की मुकम्मल बायोग्राफी आपके लिए लाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। ब्राज़ील का एक गरीब लड़का बिना बाप के पला बड़ा और किस तरह से मैनचेस्टर सिटी का उम्मीद बना, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल होगी। ब्राज़ील के एक छोटे से शहर साओ पालो में पैदा होने वाला गैब्रियल जेसस यकीनन एक खुशकिस्मत इंसान है। जब गैब्रियल जेसस ने दुनिया में कदम ही नहीं रखा था तब उसके बाप ने उसके माँ से अलीहदगी इख्तियार कर ली। गैब्रियल जेसस एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए और उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसके माँ पे थी। बहुत गुर्बत के बावजूद भी गैब्रियल जेसस ने कभी भी फुटबॉल खेलना रद्द नहीं किया और वो हमेशा मेहनत पर यकीन रखते थे। गैब्रियल जेसस ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पैदा ही नहीं हुए थे तो उसके बाप ने उसके माँ को छोड़ दिया था और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके माँ ने उठाई थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता कि मेरे माँ ने मेरे लिए कितनी मुश्किलें सही और मुझे यहाँ तक लाने में कामयाब रहा। गैब्रियल जेसस को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उसका सबसे पहला क्लब पेकनिनोज डेमियो बीमेंटिनो में खेलना शुरू किया और महज 16 साल के उम्र में गैब्रियल जेसस ने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटेक्ट पाल्मीरास क्लब से हासिल किया। पाल्मीरास में खेलते हुए जेसस ने पहले ही सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बना डाला। जेसस ने पहले ही सीजन में 54 गोल स्कोर किए और वो क्लब के टॉप स्कोरर भी बने। उसके बाद क्लब के लिए जेसस ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद जेसस की आमदनी भी बढ़ी और उनके घर के माली हालत में कुछ सुधार आना भी शुरू हुआ। साल 2014 में स्टेट अंडर 16 चैंपियनशिप में खेलते हुए पाल्मीरास से खेलते हुए 22 मैचों में 37 गोल स्कोर किए। लगातार 2 सालों में अपने शानदार गेम के बदौलत गैब्रियल जेसस खबरों की सुर्खियां बने रहे। जब 2014 में ब्राज़ील में वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उस टाइम गैब्रियल जेसस को ब्राज़ील के शहर साओ पालो के गलियों को रंगते हुए भी देखा गया। 2 साल लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए और खबरों की सुर्खियाँ बनने के बाद आखिरकार मैनचेस्टर सिटी के नज़रें गैब्रियल जेसस पर पड़ी। मैनचेस्टर सिटी ने गैब्रियल जेसस को खरीदने में देर नहीं लगाया और मैनचेस्टर सिटी ने 27 मिलियन यूरो में आखिर गैब्रियल जेसस को खरीद लिया। गैब्रियल जेसस मैनचेस्टर सिटी में अब तक बहुत से मैच खेल चुके हैं और बहुत से मैचों में जीतने में अहम किरदार अदा किया और अपने इंटरनेशनल कैरियर में 21 मैचों में 27 गोल करने में कामयाब रहे हैं। गैब्रियल जेसस ने ब्राज़ील की तरफ से एक फीफा वर्ल्ड कप और कोका अमेरिका कप में हिस्सा लिया। दोस्तों, अगर आज गैब्रियल जेसस मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम में खेल रहा है तो उसके पीछे गैब्रियल जेसस की बेहिंतिया मेहनत है और मेहनत की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें और अगर आप मज़ीद किसी फुटबॉलर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें वो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज।